guys, welcome back to my channel. My name is Kunal Gogai. You are watching Tech with Kunal. और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम Go Lang के जो ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि जो पिछले बार हमने ऑथ स्टार्ट की थी उसके थोड़े मॉडल्स बनाते हैं, थोड़ा सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं सीरीज को ताकि आप अच्छे से गो सीख पाओ। लेट्स गो। आप अगर देखें मेरी स्क्रीन पर, इस समय मैं मॉडल्स के अंदर चला गया हूँ क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम बनाया था हमने एक बेसिक ये राउटर्स बनाए थे, तो अगर आपको याद हो अच्छे से हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया था। तो अब नोट्स के अंदर चला गया हूँ तो नोट्स के हमने मॉडल ऐसे बनाए हैं, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कॉपी करके, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हम सेम चीज़ों के ऊपर ही जाने वाले हैं तो ज़्यादा मेहनत करते ना हुए सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखेंगे, हम नोट्स तो नहीं रख सकते इंटरनल पैकेज के अंदर, तो हम इसका नाम रखेंगे यूज़र के नाम से, रख लेते हैं इसको यूज़र के नाम से, और तो कुछ सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। और ये भी यूज़र हो गया और रिटर्न यूज़र। आईडी हमारे पास प्राइमरी की चाहिए हमें, ठीक है, हमें चाहिए इस हिसाब में इस बार ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। इसको हम फिर से वो कर देते हैं स्मॉल केस में ताकि जैसा ना हमारा सही है, ठीक है। फिलहाल हमारा ये मॉडल तैयार हो गया, हमें अब जाना है बेसिकली सर्विसेज में। सर्विसेज में हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज में बनाएंगे और डॉट को, ठीक है। और डॉट को के पास पैकेज होगा हमारा सर्विसेज, उसके अंदर हमारा जो पहली चीज़ होती है वो होती है टाइप ऑथ सर्विस स्ट्रक्ट होगा, स्ट्रक्ट होगा होगा क्यों नहीं होगा स्ट्रक्ट होगा, ठीक है। स्ट्रक्ट के अंदर क्या होगा, हमारा डी बी होगा। डी बी के अंदर क्या होता है, वही जो हमारा पिछले अगर आपने याद हो तो हम डी बी के इंस्टेंस लेते थे कि यहाँ पर ये वाला चीज़, वो चीज़ यहाँ पर भी कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद इसको बोलेगा इम्पोर्ट के लिए, इसको इम्पोर्ट कर लेना, ज़्यादा सजेशन दे देता बट अच्छी बात है। उसका एक फंक्शन बनाओ जो सर्विस को इनिट करे, तो सर्विस को इनिट करने के लिए बनाएंगे इनिट ऑथ सर्विस, और ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये ऑथ सर्विस ही रिटर्न करेगा, कैसे रिटर्न करेगा, और ये यहाँ पे लेगा इंस्टेंस ऑफ डी बी ओ आर एम, और यहाँ पे रिटर्न करेगा डी बी इक्वल्स टू डी बी, ठीक है। उसके बाद नया मेथड बनाओ यहाँ पे। अब देखो ये मेथड जो बनेगा, ये मेथड होगा लिंक किससे, ऑथ से, ऑथ सर्विस से, तो यहाँ इसका नाम होगा लॉगिन। अब लॉगिन रख दिया है आपने, लॉगिन में क्या होगा भाई, एक ईमेल आएगी स्ट्रिंग की और एक पासवर्ड आएगा स्ट्रिंग का, वेरीफाई करवाना है हमें। वेरीफाई करवाने के लिए जो हम काम शुरू से करते आ रहे हैं वो काम हम यहाँ पे कंटिन्यूशन रखेंगे। मैंने बोला था सर्विसेज़ के अंदर ही काम करना, तो सर्विसेज़ के अंदर लॉजिक लॉगिन क्या होगा, देखो अभी सीखने के लिए काम कर रहा हूँ मैं, आपको नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इसका अपडेशन बताऊंगा। हम लोग पासवर्ड हैश करके डालते हैं, हम डायरेक्ट पासवर्ड नहीं डालते, मैं अगर क्वेरी करके जाकर पासवर्ड नहीं देख सकता दुनिया लोगों का, ऐसे देखना भी नहीं चाहिए ना ही पुट करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस है। फिलहाल हम सीख रहे हैं तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में पासवर्ड सीधा डंप करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि पासवर्ड एक्चुअल में कैसे जा रहा है। देन हम आगे वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उनमें हम पासवर्ड को एक्चुअल हैश करके डालेंगे, जो एक्चुअल एक बेस्ट अप्रोच मानी जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको चेक कर लेना है ई मेल, ठीक है। अब आपको ई मेल यहाँ पर जो आपको सब न लाने के चांसेज हो सकते हैं, तो आप सीधा ये चीज़ें चेक कराओ इक्वल इक्वल्स टू निल, ठीक है। तो आप क्या चीज़ें रिटर्न करवाओगे यहाँ से, आप एक यहाँ से चीज़ रिटर्न करवाने वाले जो हो वो एक तो इंटरनल आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा और ऊपर से आपको इंटरनल में यूज़र जो बनाया है, तो आप वो रिटर्न करोगे या एरर रिटर्न करवाओगे, ठीक है। तो या तो एरर रिटर्न करेंगे, तो इसको बोल दिया अगर ईमेल इक्वल्स टू नील है, ईमेल इक्वल्स टू नील है तो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न चीज़ नील होगी, एक नील इसको करना, तो इसको यहाँ पे स्टार कर दो, रेफरेंस और मेमोरी हो सकता है और एक एरर हो सकता है, तो न्यू एरर क्या होगा, ईमेल कांट बी ठीक है। तो यार ये मतलब सिंटैक्स ना कभी कभार हम कंफ्यूजिंग लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये आना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, लास्ट में एक बार नीचे लिख देते हैं रिटर्न यूज़र डॉट नील, तो ये लास्ट होगा। अब यूज़र निकालना है, उसके बाद सेम चीज़ करेंगे, पासवर्ड नॉट इक्वल नॉट इक्वल्स टू, इफ पासवर्ड इक्वल इक्वल्स टू नील, यहाँ पे डालना है पासवर्ड, और यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं ऐसे इनपुट्स ले रहा हूँ क्योंकि सिंपल से सिर्फ, अगर आप चाहो तो इसका एक इंटरफेस बना सकते हो, टाइप बना सकते हो, दोनों तरफ यूज़ कर सकते हो, कंट्रोलर में भी और इसको सर्विस में भी, आपको बस टाइप्स को कॉमन रखना पड़ेगा दोनों तरफ से, फ्रंट एंड भी ईमेल और पासवर्ड भेजेगा,
आप ही ईमेल और पासवर्ड यूज़ करोगे इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इफ़ पासवर्ड इक्वल्स नील और आपको यूज़र तो फिर क्या ही मिलेगा, नहीं मिलेगा यूज़र आना, तो आपको मिलेगा एक एरर। तो आप एरर्स डॉट न्यू पासवर्ड कार्ड BMT, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वो हमारा पुराना खेल, हमें यहाँ पे बनाना है वेयर यूज़र इक्वल्स टू एंड इंटरनल डॉट यूज़र, उसके बाद DB वाला हमें करना होगा एरर। अब ए डॉट DB लगाएंगे हम, डॉट हम क्या करते थे मॉडल लिखते थे, मॉडल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीज करना है फाइंड, फाइंड हम करेंगे, उसके साथ हम क्वेरी लगाएंगे वेयर की, वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल वेयर पासवर्ड इक्वल्स टू फाइंड एंड यूज़र डॉट एरर नॉट इक्वल्स टू नील रिटर्न नील कॉमा एरर। चलिए बहुत ही सिंपल सा काम कर दिया, अरे भाई हम देख लेते हैं एरर ही होता है। इसको हटा दो, इसको ऑलरेडी हमारे पास यूज़र छोटा यू लगा दो यार। तो बन गया हमारा लॉगिन का, सेम कॉपी करूँगा यहाँ पे डाल दूँगा रजिस्टर, और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा क्रिएट डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल यूज़र डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड और क्रिएट करके एंड दैट यूज़र, और ये बोलेगा कैन नॉट यूज़ ईमेल वेयर स्ट्रिंग वैल्यू इन असाइनमेंट। करना कि यार ये पॉइंटर नल हो सकता है तो हम इसके आगे पॉइंटर ही लगा देंगे, तो हमें इससे हमारी वैल्यू टीव हो जाएंगी। पासवर्ड हमारा आ रहा है सही है शायद, और डॉट हमें पासवर्ड को स्ट्रिंग करना भूल गए जल्दबाजी में। ऑलराइट गाइस, तो रजिस्टर भी हो चुका है, DB डॉट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद एंड यूज़र यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो हमारे दोनों मेथड्स तैयार हैं, लॉगिन और रजिस्टर। अगली बार ईमेल हम वैसे डंप करेंगे, बट हम पासवर्ड को क्रिप्ट करेंगे अच्छे से, मैं बताऊँगा। अब नेक्स्ट टाइम हम कंट्रोलर्स को दोनों मेथड को कंट्रोलर साइड यूज़ करेंगे और आपको इस कंट्रोलर से इसको कंटिन्यू रखेंगे, आसानी से समझ आएगा कितना आसान है। क्वेरीज करना, क्वेरीज सीक्वल के वही यूज़ करें ORM के बेस पे, बाकी सब तो वो सिंटैक्स था, वो हम कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, खुद भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको मन करे आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक लिए बाय बाय।